अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर की अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है ये QMC की तरफ से आ रही है। QMC की तरफ से दोस्तों आज के दिन वहां पे अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि कतर में इंग्लिश टीवी जो होता है दोस्तों, इंग्लिश में सारा कुछ प्रशासित वहां पे किया जाएगा, यानी कतर का अपना इंग्लिश टीवी दोस्तों चैनल जो है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला, जिसका नाम होगा चैनल 37, जो कि थर्ड ऑफ क्वार्टर नेक्स्ट ईयर यानी दोस्तों तीसरे क्वार्टर में दोस्तों अगले साल 2022 के उम्मीद है कि जून जुलाई के बाद ये चैनल को वहां पे लॉन्च कर दिया जाएगा पूरे कतर में, जो कि पूरा का पूरा दोस्तों जो भी कुछ उसमें दिखाया जाएगा सारा कुछ इंग्लिश से प्रसारित किया जाएगा। अगली खबर साथियों जो आ रही है, MOI की तरफ से सभी को अलर्ट किया गया है कि जितने लोग भी वहाँ पे फेक अकाउंट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, खासकर फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे, तो जितने भी फेसबुक अकाउंट है सभी को सबसे पहले तो बोला गया डिलीट करने बोला गया है। और जो लोग फेसबुक अकाउंट से यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स मांगता है, कोई सर्टिफिकेट मांगता है या किसी कोई भी बहाने से कुछ यदि आपसे मांगता है कि आपका प्राइज लगा है, ये लगा है, वो लगा है, तो दोस्तों ये सब आपको नहीं देना है किसी भी सेक्टर में, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वो लोग हैकर हैं और आपका डॉक्यूमेंट्स हो सकता है वो गलत इस्तेमाल करके आपको फंसा भी सकते हैं या फिर आपका कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया ट्रैक है दोस्तों, जो भी आता है उसमें आपको किसी को भी कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना है, फेक आईडी बना के आपको इस्तेमाल उसे नहीं करना है। MOI की तरफ से ये खास निर्देश सभी को दिया गया है। अगली खबर साथियों जो आ रही है, बताना चाहूंगा दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों, कतर का जो पेट्रोलियम है जिसे कतर पेट्रोलियम कहा जाता है, उनका नाम दोस्तों जो है बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला है, जिसका नाम अब पड़ने वाला है कतर एनर्जी। दोस्तों पहले इसका अभी जो नाम है उसका कतर पेट्रोलियम है, पर इसका नाम चेंज करके दोस्तों अब कतर एनर्जी होने वाला है। तो दोस्तों ये नाम है बहुत ही जल्दी हो जाएगा, इसकी अनाउंसमेंट वहां पे कर दी गई है। अगली अपडेट साथियों, बहुत ही अच्छी खबर साथियों आ रही, बताना चाहूंगा वो सऊदी हुकूमत से आ रही कतरी के लिए। तो जितने भी कतरी हैं दोस्तों उनके लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जो लोग भी अब उमरा करना चाहते हैं तो वो लोग उमरा कर सकते हैं, पर फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। 10 अक्टूबर से दोस्तों ये उमरा जो है स्टार्ट हो चुका है कतरियों के लिए। तो यदि कतरी आप लोग हैं, यदि आप वहां पे उमरा करना चाहते हैं तो 10 अक्टूबर से दोस्तों आप लोग का उमरा स्टार्ट हो गया है। यदि आप जाना चाहते हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड तो जा सकते हैं, और उमरा वगैरह जो भी अपना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगली खबर साथियों जो आ रही है वो पाकिस्तानी भाइयों के लिए, बताना चाहूंगा साथियों कि आप लोग को वहां के जो जिसे कहा जाता है फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनका दोस्तों कल के दिन इंतकाल हो गया, जिनका नाम है अब्दुल कादुल खान। तो इनका दोस्तों कल वहां पे इंतकाल हो गया और ऑफिशियली दोनों अनाउंसमेंट वहां पे कर दिया गया है। अगली खबर साथियों जो आ रही है वो इंडियन एम्बेसी की तरफ से आ रही है साथियों, वहाँ पे काउंसलर कैंप रखा गया है जो कि जुमा को 15 अक्टूबर 2021 को रखा जाएगा, 10 बजे सुबह से लेकर 12 बजे दोपहर तक, यानी 2 घंटे का ये कैंप होगा। एड्रेस बताता हूँ मैं, अमवज दुखन जिक्रिट कैंप, स्ट्रीट 417, गेट नंबर 8, दुखन। तो ये देखा दोस्तों आपको वहां पे होगा। तो यदि आप कोई आपको जानकारी लेना है कुछ जानकारी वहां पे तो अच्छा मौका है, जा सकते हैं वहां पे। 2 घंटे का दोस्तों ये कैंप चलेगा, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कतर से आ रही थी मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।